बड़वानी जिले के राजपुर में हुए जनजाति गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी। लव जिहाद और सुदखोरी पर मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दिए। उन्होंने बड़वानी जिले को 300 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति समाज के लिए अनेकों योजनाओं की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सुदखोरों को लेकर दो टूक कहा कि जो लोग सरकारी नियम के हिसाब से सुदखोरी नहीं करते हो, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद पर शिवराज ने कहा कि इसके लिए 10 साल तक की सजा दी जाएगी। कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनकी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था, जिन्हें फिर से चालू किया जा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। साफ सुन ले, ऐसे सूदखोर, मैं सूदखोर कह रहा हूँ, जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। जो विधिवत काम करते महाजनी का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सूदखोरों, जितना पैसा ज्यादा ब्याज पे संपत्ति रख के तुमने गरीब ट्राइबल को दिया है, अब वो वसूल नहीं होगा, क्योंकि मैंने कानून बना दिया है। जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020, और इसलिए नियम विरुद्ध दिया जाने वाला कर्जा, ऊंची ब्याज दरों का प्राइवेट कर्जा सब माफ किया जाता है, वो कर्जा वसूल नहीं होगा। जो गलत ढंग से काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर लाइसेंस लेके जो पैसा देने का काम करते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। और ऐसे नियम विरुद्ध कर्जा देकर लूटने वाले लोगों ने अगर ट्राइबल की संपत्ति गिरवी रखी है तो वो संपत्ति वापिस कर दे, और वापिस नहीं की, हमें शिकायत मिली, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा और संपत्ति वसूल करवा ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्याय होने नहीं देंगे। न्याय के रास्ते पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मेरे ट्राइबल बेटा बेटियों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सब गरीब, हमारा जनजाति समाज हमारी मुख्य धारा का प्रमुख अंग है। उनके जीवन मूल्य, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं अद्भुत है, और भगवान बिरसा मुंडा जो सचमुच में भगवान ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, और जिन्होंने अपनी धर्म संस्कृति और परंपराएं बचाने के लिए भी संघर्ष किया, उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। भीमा नायक की ये जन्मस्थली है। 29 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर भी यह मेला लगेगा, और 4 अप्रैल को टंटिया मामा की भी जो जन्मदिन है वो धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारत माता को आजाद करने के लिए और अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा संकल्प, हमारे जनजाति समाज को जो भारत माता के सुगंधित फूल है उनमें से सबसे प्रमुख है, उनको आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी फीस भरवाने का इंतजाम, जिनके वर्षों से कब्जे हैं उनको पट्टे देने का अभियान, हमारे रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार के इंतजाम के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सर किसान सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज यही संदेश देने, सर किसान परेशान है, मैं उनके बीच खिलाई जा रही है, किस तरीके आज मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सर फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा, अद्भुत और अभूतपूर्व है।
जो 3 किसान कानून बनाए हैं, कल्टीवेटर चलाकर खेतों को किसान के हित में है। अब किसान को अगर ये विकल्प देते हैं तो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? सर फायदा समझाने में केंद्र सरकार कहां विफल हो गई? क्यों कोई सस्ती राजनीति? देखिए कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, केवल कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों पे कार्रवाई, बाकी कहीं पूरे देश में आंदोलन नहीं है, आप देख रहे हैं। क्या किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके अनेकों कदम सरकार ने उठाए हैं, और मुझे विश्वास है कि चाहे वो सब्जी के दाम का सवाल हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे ही देंगे, इस पर भी हम गंभीरता से विचार हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।